व्हाट्सअप गाइस, मीम्स देखना आप लोग को बहुत पसंद है, तो आप लोग के लिए यस मीम्स की दुनिया से एंड फ्रॉम द चैनल मीमापुर बहुत गजब वीडियो लाए हैं, तो साथ में एंजॉय करते हैं। फेवरेट मीम कमेंट करके जरूर बताना, और पहले आधे घंटे में जो भी कमेंट करेगा मैं कोशिश करूंगा रिप्लाई करने की। और बाकी या एक और, फिर हार्ट बनाने और की। एक चीज और कहना चाहूंगा मैं कि और वीडियोस आप सजेस्ट करो। अब हम मूवी सीन्स पे भी रिएक्ट करना शुरू कर रहे हैं, तो मूवी सीन्स आप सजेस्ट कर सकते हो, कॉमेडी सीन हुआ, इमोशनल, या फिर कोई भी पुरानी मूवी का ट्रेलर या कोई गाना यस भी सजेस्ट कर सकता हो, तो कोशिश करें जल्द से जल्द उस पर रिएक्शन लाने के लिए। तो चैनल बनाए तो प्लीज सब्सक्राइब, सब्सक्राइब वीडियो को लाइक करना मत भूलना। लेट्स गेट इन द वीडियो फ्रॉम द चैनल यस। मीमापुर। 1 2 3 गो। हाला, ये वीडियो सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए बनाया है। सीधे जब फटाफट बात कुर्तों पे ना लें और हेडफोन लगा लीजिए, एक दो गाली के बाद मिल जाएंगे। चलता हूँ, हला ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। बीन हार्ट ब्रोकन Every morning. Oh no! Only for the movie. Only for the movie. भाईजन, ये कोई आपकी गर्लफ्रेंड वर्लफ्रेंड है? कभी किसी से प्यार हुआ है? हाँ प्यार हुआ, बल्कि एक दफा मुझे गर्लफ्रेंड ने अपने घर भी बुलाया था। Damn boy! घर पे बुलाया था गर्लफ्रेंड ने? जी बिल्कुल। क्यों? वो कह रही थी आ जाओ, घर पे कोई भी नहीं है। फिर आप गए उसके घर पे? जी बिल्कुल, उसके घर गया। जब घर गया वाकई घर पे कोई भी नहीं था, ताला लगा हुआ था। लड़की सच्ची निकली लेकिन है। भजन, आज तक आपने किसी से सच्ची मोहब्बत की है? जी भाई किया है, 3 साल तक हम लोगों की बातचीत चलता रहा कॉल पे। अच्छा, 3 साल बाद आपकी, 3 साल तक आपकी कॉल पे बात भी हुई है? बिल्कुल बिल्कुल। तो फिर अभी कभी उससे मिले नहीं? मिलने के लिए गए थे पर साला खुसरा निकला। किसी से मोहब्बत की है? बंदा निकला। हाँ यार की है। फिर ब्रेकअप हो गया। किस बात पे? मैंने उससे सिर्फ इतना पूछा था किसी से मोहब्बत की है, तो उसने कहा नहीं। मैंने उससे फिर पूछा कि किसी को दिल दिया, फिर भी उसका जवाब यही था कि नहीं। फिर उससे ये पूछा कि किसी से शादी करने का सोचा, तो उसने कहा नहीं। तो फिर? तो फिर यही कहा मैंने उसे कि जब तू किसी और की नहीं हो सकी तो मेरी कैसी हो। जितना काम लड़के कर सकते हैं उससे बढ़कर लड़कियां कर सकती हैं। अच्छा, नहीं कर सकती, हार जाओगी। बिल्कुल नहीं, आजमा के देख लो। आइए देखते हैं, बैठ मजा आएगा। ये करो। क्लाइमैक्स अभी बाकी। ये कर सकती हो? बस इतना ही, ये तो कुछ भी नहीं है। चलो हटो। चलो ए मैडम, बहुत हो गया तेरा डम डम, चुप बैठने का। पर ना तेरी खोपड़ी में है ना वो 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 क्या है रे, इसके खोपड़ी में भेजा। अरे वो तो लेडीज के खोपड़ी में होता ही किधर है यार। बात सही है। सो गाइज, मैं फिलहाल एक्सपो 2020 दुबई पे हूँ एंड आज यहाँ पर आतिफ असलम लाइव परफॉर्म करने वाले हैं। गेस व्हाट, आज से अच्छा दिन नहीं हो सकता क्योंकि मेरी फर्स्ट डेट मेरे साथ है, अंजना इज हियर। जिंदगी हो तो ऐसी हो। अंजना, कितना मजा आएगा नहीं जब हम लोग जाएंगे आतिफ असलम को लाइव साथ में परफॉर्म करते हुए देखेंगे यार। That's true, yeah, but then I like Tony Kakkar better. भाई 1947 में देश आजाद हो गया कंगना जी के तहत, 2014 के बाद में मुझे भी बोलता अक्कल नाम की जितने। अब हमको लगता है अब तो नाम नहीं लेंगे, लेकिन कुछ दिन के बाद कुछ लोग ऐसे भी कहेंगे कि पैदा तो हम पता नहीं बहुत पहले हो गए थे लेकिन बाप 2014 में मिला हमको। अगर खूबसूरत होने का पैसा मिलता तो आज मैं करोड़पति होती। हाँ, और अगर कंटेंट के नाम पर हगने पे भी टैक्स लगता तो शायद आपकी 7 पुश्तों की कमाई भी कम पड़ जाती सरकार का टैक्स चुकाने में। Someone will ask you, first thing Madhuri ji, when you wake up in the morning, what do you touch? I've been really trying. बल्ले तेरे मुंडिया, आज तो तेरी सुहाग रात है। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। अगर पहले मैच में जल्दी आउट हो गया ना तो लंका लग जानी है मेरी। बेटा तुमसे नहीं होगा ना तो हम लोग मैच खेल लेते हैं। वैसे भी हम लोग पुराने खिलाड़ी हैं। तू ओपनिंग तो जाएंगे, मैं नॉन स्ट्राइक पे। कौन बाप तू पर जाओ, सलामी मत दे।
कलाकार भरा है। I have heart problem and the solution is you. Hey, stop pain. देख रहा है? Strategy देख रहे हो? Stop pain. Okay, I'm sorry. Sweet talker. I'm not a sweet talker. I'm a sexy girl. क्या? क्या क्या बोला? I'm a sexy girl. लकड़ी के फर्श पे तो बैठ सकते हो। हमने जयपुर की गर्मी में ऐसी फोटो खिंचाई थी, हमारी दोनों पूरियां जल गई। सन्नी तुम्हारा? सन्नी मेरा भाई है। मैंने तो उसे कुछ नहीं बताया और आशा करता हूँ तुम भी इस सिचुएशन की गंभीरता को थोड़ा समझोगी। क्या समझा रहा है इसे? बीच में ना बोल। बोलने दे। कुछ नहीं, तो बस हालचाल पूछ रहा था। मैंने कहा थकी थकी सी लग रही है थोड़ी। थकी थकी तो लगेगी ना, कल रात को ज्यादा ही हो गया। इतना डांस नहीं करना चाहिए था हमें कल। तुम्हारी सोच कितनी गंदी है, कितनी गंदी सोच है तुम्हारी। मालूम है तेरे बाप को, मत सिखा चल। चलें, अच्छा मुझे ये बताएं कि वो कौन सा काम है जो हर लड़की रोजाना करती है, नहीं करेगी तो मर जाएगी। नहीं करेगी तो मर जाएगी। हाँ, कौन सी चीज के बगैर आप नहीं रह सकते? नहीं रह सकती इमरान खान को गाली दिए बगैर। थोड़ा ऐसा कि लड़के जो बेस में बात करते हैं, लड़कियां बड़ी इंप्रेस होती हैं उनसे। इज इट ट्रू कपिल? आप जिस भी बेस और किस भी सुर में बात करें, लड़कियां वैसे इंप्रेस हो जाती हैं। कपिल जी ने बात गिर गई भाई। चलो 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 अब लोग जाने। चलो अरे आप लोग लगे रहो। अरे नहीं भाई, इधर से गजब बेइज्जती है। हसदे चेहरे का मतलब ही नहीं होता कि उन्होंने कोई तकलीफ नहीं होती। उसका मतलब ये होता कि उन्होंने तकलीफों ना डील करना होता। Hey, come look at this. जिसके दोनों डोज लग गए हों उसी को हम दारू की बिक्री करेंगे। अच्छा, और उससे पूछता है सेल्समैन कि भाई आपके दोनों डोज लग गए, तो दोनों डोज लग जाते हैं तो हम उसको बिक्री कर रहे हैं और प्रेरित भी कर रहे हैं। हम बोर्ड भी लगवा रहे हैं कि हर एक दुकान पे बोर्ड लगेगा कि भाई दोनों डोज वालों को ही दारू बेचें। समझ गया। ये तो उसकी ईमानदारी से वो बोलेगा कि हाँ मेरे लग गए हैं। और हिंदुस्तान में अधिकतर हमारा खुद का अनुभव है कि दारू पीने वाला सही बोलता है, झूठ नहीं बोलता। कमलेश जी, आपकी उम्र कितनी है? 24 साल उम्र है आपकी। तो अभी ये अभी देख रहे हैं कि आप ये भिक्षा मांग रहे हैं, आपकी 24 साल उम्र है, इतना अच्छा आपका शरीर है, तो आप कमा के भी तो खा सकते हैं जी। मेरा एक साइड लकवा मार दिया है सर जी। अच्छा, ये वाला साइड काम नहीं करता है? नहीं काम करता। ये समस्या है? मदद कर रहे हैं। तो जैसा कि तुम्हारा ये साइड एकदम बिल्कुल भी काम नहीं करता है जी, नहीं करता है। हम इनकी थोड़ी सी मदद भी जरूरी है, तो देखिए इनका थोड़ा सा हम लोग देखिए तुरंत काम कर रहा है। चुतिया समझा मेरे को। क्या काम? कैसे लड़की खुद आ गई जिंदगी में। किसी ने सच कहा है, देने वाला जब भी देता है ना छप्पड़ फाड़ के देता है। क्या लगता है? देखी तो भगवान करे एक बार दे दे। अंकल यार कैसी बात कर रहे हो? अब देना ना देना तो उसकी मर्जी है ना। नहीं बेटा, तुमको बड़ा अनुभव है ना इन सब चीज में कि देगी कि नहीं देगी। कैसी अपमानजनक बातें कर रहा है ये। कभी कभी क्या होता है ना कि इंसान की नियत पे डिपेंड करता है कि वो देगी या नहीं देगी। नियत तो तुम्हारा भी नहीं है नहीं देने का। अरे अंकल यार, सुबह सुबह ठरक ज्यादा जाग गई है क्या? हमारी लेने। अरे 6 महीना हो गया यार, रेंट दिया ही नहीं हो तुम। है तो नियत तो साफ है ना तुम्हारी कि तुम नहीं दोगे। अरे यार आप रेंट की बात करो। ओ भाई, एक और ताबड़तोड़ वीडियो फ्रॉम द चैनल मीमापुर। और मीमापुर भाई खोज के लाता है। पहले तो रिस्पेक्ट है उस इंटरव्यू लेने वाले की, स्टार्टिंग वाले के ना, क्या आपकी कभी गर्लफ्रेंड रही है? हाँ रही है, घर पे भी बुलाया था और ये बोला था घर पे कोई भी नहीं है। तो भाई गया 1.5 इस वीडियो में वहाँ पर और घर पे जाकर ताला लगाया। लड़की बिल्कुल ईमानदार, सच बोला उसने, बिल्कुल झूठ नहीं बोला। और जो मेरे को कॉन्फिडेंस है, वो जो इंटरव्यू दे रहे थे ना, वो कह रहे थे कि ईमानदारी का कैसे पता लगेगा कि वो क्या बोलते हैं, दोनों टीके लगे हुए दारू पीने वाला सच ही बोलता है। दारू अब से अगर मुझे तेरे से कुछ वैसे उगलवाना होगा कई दिन लगातार दारू।
भाई बहुत एंटरटेनमेंट से भरपूर वीडियो थी। एक से ऐसा कौन सा काम है जो लड़की सुबह उठ के मतलब डेली करती है और ना करे तो मर जाएगी, पूरे दिन करना है लेकिन मर जाए। वो क्या करी इमरान खान को भाई साहब, अलग ही नशे चल रहे हैं, अलग ही और मजेदार वीडियो थी। मैं तो वो भी अच्छा लगा कि वो वाला मेरा जो आधा शरीर है वो धाकड़ रिपोर्टर भाई वो मस्त बनाते हैं वो, मतलब धाकड़ रिपोर्टर हर्ष भाई नाम शायद से। तो अगर आप चाहते हो उनकी वीडियोस पे भी रिएक्शन तो जरूर कमेंट करके बताना, फेवरेट में बताया करो यार, अच्छा लगता है। वीडियो को लाइक करना मत भूला करो, चैनल बना तो प्लीज सब्सक्राइब, और मीमापुर के चैनल बना, ऐसी मीम्स की दुनिया में मजा आ जाता है। हाँ। क्योंकि आप अगर आप कई बार फ्रस्ट्रेट हो ना या मेंटली आपको मजा ना आ रहा, जिंदगी अजीब चल रही है, मस्ती वाला माहौल रहता है, और ये मस्ती वाली जिंदगी सब जियो, मौज लो और आ जाया करो चैनल पर, वीडियो देख लिया करो यार, अच्छा लगता है। और मिलते हैं वीडियो के साथ, बाय, टेक केयर, टेक केयर।